आलू गोभी की रेसिपी तो आपने बहुत ट्राई की होंगी, एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इस गोभी मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में पानी डाल लिया है, इसी के साथ मैं एक चम्मच इसमें नमक डाल दे रही हूँ। अब इसमें मैं कटे हुए फूल गोभी को डालूँगी और एक उबाल आने तक इसे मैं बॉयल करूँगी ताकि इसमें जो भी कीड़े हों वो निकल जाए अच्छे से। यहाँ पे मैंने एक टमाटर भी डाल दिया है। गोभी में एक उबाल आ गया है, अब इसे हम लोग छान लेंगे। अब मैं मसाला गोभी बनाने की प्रोसेस में चलती हूँ। मैंने कढ़ाई में 4 चम्मच सरसों का तेल ली हूँ। अब मैं गोभी फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम पे, 4 से 5 मिनट तक मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। मैं बॉयल आलू गोभी मसाला बनाने के लिए ली हूँ। यहाँ देखिए गोभी फ्राई हो चुका है, अब इसे मैं निकाल लूँगी और आलू को भी फ्राई करूँगी। मैं मसाला बनाने के प्रोसेस में चलती हूँ। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें एक छोटी चम्मच जीरा डाल दें, 2 तेज़पत्ता डाल दें और इसमें मैंने 1 इंच अदरक को कद्दूकस करके डाल दिया है और 1 मिर्ची को 2 टुकड़े में काट के डाला और 1 मीडियम प्याज को बारीक काट के डाल दिया है। वो जब तक फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर भी 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच और इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच दही डाल रही हूँ जिससे मसाले का स्वाद बिल्कुल अलग आएगा। आप भी इस टाइप से मसाला तैयार करके बनाइए, बहुत ही लाजवाब लगेंगे फ्रेंड्स। मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिला लें ताकि मसाला अच्छे से फूल जाए जिससे मसाले का टेस्ट बिल्कुल अलग ही आएगा सब्ज़ी में। देखिए प्याज फ्राई हो गए हैं, अब इसमें हम 2 चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें जो मैंने मसाला तैयार किया था वो डाल दूंगी और जो टमाटर मैंने उबाले थे उसे भी छिलका हटा के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसे भी डाल दूंगी। इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हूँ फ्रेंड्स और इस मसाले को लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है फ्रेंड्स। मसाला फ्राई हो चुका है फ्रेंड्स, अब इसमें फ्राई किए हुए आलू और गोभी को डाल देंगे और इसे मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि आलू भी बॉयल किए हुए हैं तो मैं कम ही पानी ऐड कर रही हूँ। बिना कवर किए हुए 1 उबाल आने तक इसे पकने दें क्योंकि आलू भी उबला हुआ है और गोभी को मैंने अच्छे से फ्राई किया था वो भी उबल चुके हैं। तो देखिए आलू गोभी मसाला तैयार हो गया फ्रेंड्स, अब इसे मैं सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी मज़ेदार बने हैं
तो आप भी ट्राई करें फ्रेंड्स। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। देखिए कितनी मज़ेदार बनी है ना, इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ इंजॉय करें। थैंक यू।